मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज द लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फ्रॉम द आरडी सर्वो. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल सम क्वेश्चंस ऑफ आरडी सर्वो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. नाउ प्रोसीड सेम टॉपिक. ओके, क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? क्वेश्चन नंबर इसमें बता रहे थे हम, ज़्यादा ही क्वेश्चन है लेकिन कम से कम लेवल फर्स्ट जो एनसीईआरटी से आप करते हो तो सिर्फ एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो यहाँ पे थोड़ा कर लेना चाहिए आरडी को. और लेवल फर्स्ट तो करो ही, लेवल सेकंड का भी कुछ क्वेश्चन करना चाहिए. लेवल फर्स्ट में कहाँ तक है? 57 तक. यहाँ तक तो हर किसी को करना चाहिए, है ना? यहाँ तक हर किसी को क्वेश्चन करना चाहिए लेवल फर्स्ट तक. और लेवल सेकंड जो है उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है ना? या तो जो पूरे कंप्लीट कर सकते हो तो पूरे कर लो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ही करना चाहिए क्योंकि अभी टाइम है. आपके बोर्ड का एग्जाम अभी बहुत टाइम है ना? बहुत टाइम नहीं कर सकते, टाइम है. तो क्या करेंगे कि लेवल फर्स्ट तो कंप्लीट करते, लेवल सेकंड भी देखेंगे अपन, ठीक है? तो लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका था. 48 नंबर 48 हो चुका था जो कि हम कॉसे को लेफ्ट टू राइट ले गए थे. नेक्स्ट 50 नंबर का मुझे याद नहीं है 50 नंबर क्वेश्चन, लेकिन 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पलर और सीबीएसई का क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई करो, बाकी क्वेश्चन को आप कर लो. अगर नहीं होता है तो फिर हम डॉट्स के क्लासेस में भी बताएंगे, ठीक है ना? और उसमें भी डॉट्स क्लासेस में, और अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछते हो तो भी हम उस पर भी बताएंगे. ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से. क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन तो हम किए थे, 38 हो गया था. हाँ, ये भी क्वेश्चन हुआ था, 45 हुआ था. 45 के बाद 45 के बाद हाँ ये भी हो गया था. हाँ, ये 48 हो गया था ना. क्वेश्चन नंबर 50. ओके, इट इज द टैन ए डिवाइडेड बाय 1 plus AB minus cosine tan A डिवाइडेड बाई 1 minus AB. प्रूफ क्या करना है? टू कॉस AB. नाउ एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1 है फ्रॉम आरडी सर्वो. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पेंसिल उठाएंगे, 1 plus AB into 1 minus AB ऐसे अलसम उठाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan A into 1 minus AB minus tan A into 1 plus AB. और tan से मल्टीप्लाई करेंगे, tan A into sec minus tan A और minus tan A into sec और डिवाइडेड बाय 1 cos square minus sec square. अभी tan A कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 tan A into sec minus 2 tan A into sec
ओके नाउ ये कितना हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होता है क्या, वन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट कितना, वन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, अभी कितना हो गया, टू से किया अपन टेन, यहाँ पे लिखेंगे टू से के अपॉन टेन, कुछ ऐसे तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, टू से के मीन्स टू अपॉन कॉस ए, और टेन कितना आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ए पॉसिबल कैंसिल, टू अपॉन साइन ए हो जाएगा, टू अपॉन साइन ए मतलब टू कॉस ए, टू कॉस ए, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, आई एग्जाम्पल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई, वन प्लस व्हाट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉसेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 51, वन प्लस व्हाट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, यू हैव टू प्रूव cos थीटा, cos थीटा प्रूफ करना है, नो तो यहां पे कैसे स्टार्टिंग लेंगे, cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, वन स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और वन प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यहाँ पे वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ऊपर क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन, और नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, नेक्स्ट क्या फैक्टर हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन, वन वन कैंसिल, कॉसेक थीटा ये प्रूव करना था, 51, नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट सीबीएसई का क्वेश्चन कौन है, 53, 53 देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 53,
यहाँ पे क्या कॉमन उठाएंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर डेट इज द 1 cos sec स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan sec स्क्वायर एल इज दिस, 1 प्लस cot स्क्वायर ये cot हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर डेट इज द cos sec स्क्वायर ए, ये cot है, इट इज द cot, 1 प्लस cot स्क्वायर cos sec स्क्वायर. अब sec स्क्वायर यहां पे क्या लिखेंगे, 1 by cos square plus 1 by sin square ऐसा कुछ, ठीक है. और यहाँ पे क्या करते हैं, LCM उठा लेते पहले, sin square into cos square multiplication दोनों ये यहाँ ये यहाँ, तो sin square plus cos square ऊपर तो 1 होगी, तो 1 अपॉन कितना हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, आइए कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर. अभी देखो वहां पे क्या है, साइन स्क्वायर माइनस साइन के पावर 4 है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अब माइनस साइन पे पावर 4 हो जाएगा, हम साइन स्क्वायर माइनस साइन पे पावर 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर एस का पार्ट हो गया, आर एस तो ये क्वेश्चन नंबर जो था सीबीएसई 2006 का पूछा क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लेवल फर्स्ट का इतना ही क्वेश्चन था है ना, जो पूछा हुआ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो हम की लेवल टू में चलते. लेवल टू में का फर्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, जो कि सीबीएसई 2001-2002 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना. तो लेवल 58 का फर्स्ट क्वेश्चन, x is equal to a sec theta plus b tan theta. x is equal to a sec theta plus b tan theta, b tan theta. y is equal to a tan theta plus b sec theta. y is equal to a tan theta plus b sec theta. तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन फ्रॉम दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, ए से थीटा प्लस बी टैन थीटा प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, ए टैन थीटा प्लस बी से थीटा बी से थीटा कॉस पर ऐसा है. और यहाँ पे नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा. यहाँ पे सेकेंड क्या हो जाएगा, इसको माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टू ए बी, टू ए बी टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा है ना. अभी यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा
यहाँ पे फैक्टर है, मुझे क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन उठा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगेन माइनस का साइन के साथ हम ए स्क्वायर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन उठाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा विथ नेगेटिव साइन कॉमन उठाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, दोनों से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन उठा लेंगे, दोनों से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन उठा लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो हमारे पास क्या हो गया फाइनल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया 58 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 भी सेम टाइप का क्वेश्चन, एम इंटू एन, जस्ट आप क्या करो लेफ्ट साइड में उसका वैल्यूज पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो एम का वैल्यूज एन का वैल्यूज लेफ्ट साइड में, और जब उसको आप सॉल्व करोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिक वन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 वगैरह, 62 वगैरह में क्या करना है, सिर्फ आपको 62 क्या करना है, कॉमन उठाना है, कैंसिल करना है, फिर उसको आइडेंटिटीज में सेट करना है ना। बोले वो कितना लिख रखा है, T3 T5 लिख रखा है, T3 T5, तो क्या करेंगे, T3 का वैल्यूज कितना हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, और T5 कितना हो जाएगा, साइन पे पावर 5 थीटा प्लस कॉस पे पावर 5 थीटा। तो जब हमारे पास और अभी क्या करेंगे, उसमें कॉमन उठाएंगे, T1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉमन उठाएंगे कैंसिल करेंगे तो देखेंगे कि आर एच एस को भी थोड़ा प्रोसीड करेंगे और फिर आंसर आएगा, ट्राई करना, नहीं आता तो फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सेकेंड नंबर, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर लिखा हुआ है ना, उसका क्वेश्चन है 65 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। sec theta minus tan theta, 1 plus sec theta minus tan theta divided by 1 plus sec theta plus tan theta, 1 plus sec theta plus tan theta, yes sir, is equal to 1 minus sin theta, 1 minus sin theta by cos theta, ये प्रूफ करना। ओके तो यहां पे अगर आप इसको देखोगे राइट साइड को, तो राइट साइड में क्या आ रहा है, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऊपर में ला रहा है ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो जब ऊपर में सेक थीटा माइनस टैन थीटा ला रहा है, ओके तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को स्प्लिट करेंगे, समझना, दो तरह से हम क्वेश्चन करते, हम इस NCERT में भी ऐसे क्वेश्चन बताए है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर जो वन है ना, वन को क्या लिख देते हैं, इस वन को लिखते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस वन को तो लिखते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके इस वन को लिखते, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रहने देते, जो भी था सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रहने देते, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना लीजिए, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, ओके इसको स्प्लिट करते sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को, तो कितना हो जाएगा स्प्लिट करने के बाद, ये स्प्लिट करने के बाद हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा
और sec थीटा इंटू टाइन थीटा, sec थीटा माइनस टाइन थीटा बस, प्लस sec थीटा माइनस टाइन थीटा करते, sec थीटा माइनस टाइन थीटा करते। ओके अभी 1 प्लस sec थीटा प्लस टाइन थीटा, 1 प्लस sec थीटा प्लस टाइन थीटा, ये अभी देखो यहाँ से दोनों sec थीटा माइनस टाइन थीटा कॉमन उठा लेते हैं, ऊपर से है ना, ये दोनों टर्म कॉमन उठा लिए, तो sec थीटा माइनस टाइन थीटा कॉमन उठा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से बचेगा वन sec थीटा प्लस टाइन थीटा, sec थीटा प्लस टाइन थीटा, और यहाँ पे कितना बचेगा वन, और यहाँ पे नीचे कितना है वन प्लस sec थीटा प्लस टाइन थीटा, और ये टर्म कितना होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस टाइन थीटा, sec थीटा माइनस टाइन थीटा। तो ये जो हो जाएगा इसका फाइनल टर्म हो जाएगा sec थीटा माइनस टाइन थीटा, जो कि मुझे प्रूव करना था। अब sec थीटा क्या लिख सकते हो, sec थीटा इज इक्वल टू 1 / cos थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हो sin थीटा / cos थीटा, दोनों के cos थीटा ऐसे हो जाएगा 1 - sin थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। और भी मेथड है करने का इसको, है ना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले से, फिर तो थोड़ा लंबा जाएगा, ये सॉल्व करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 67 वगैरह भी है यहाँ पर, है ना, थोड़ा प्रोसीड करना 67, 68 से टाइप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, है ना, अगर जो क्वेश्चन नहीं होता है ना फिर हम बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे और डॉट सेशन में, लेकिन आप एक बार ट्राई करो तभी उस ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, cos a माइनस cos a cos a cos a cos a और डॉट सेशन में आप क्वेश्चन निकाल के रखो, है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 70 cos a into cos a minus sin a into sec a whole divided by cos a plus sin a, cos a plus sin a, रुक के करना इसको, cos a के minus sec a, cos a माइनस से ये प्रूफ करना है। ओके पहले देखते हैं यहाँ पे कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए से के, है ना, और वहां पे जो भी लाना है कॉस ए का सेक पे लाना है, कॉस ए का सेक पे लाना है मतलब आगे तक से पहले देखेंगे तो आगे तक क्या हो जाएगा, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1/ साइन, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/ कॉस, एलसीएम उठाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस ए कॉस ए और कॉस ए का 1/ साइन ए, तो साइन ए माइनस साइन ए और ये कितना हो जाएगा कॉस ए, ऐसा फुल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए, ये हमारे पास एल जिससे हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एलसीएम उठाएंगे, एलसीएम में कितना हो जाएगा पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो समझ में आ गया होगा, और ये जो पार्ट जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए कितना जाएगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। ओके इसको स्प्लिट करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए
आई इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए है ना, अब कॉस ए प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अभी कितना हो जाएगा इसको भी सेपरेट करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाई कितना जगह साइन ए कॉस, साइन ए कॉस सेपरेट करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस, साइन ए कॉस माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ऐसा हो जाएगा साइन ए कॉस साइन ए साइन ए कैंसिल हो जाएगा कॉस ए कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन कॉस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए के माइनस सिंक है ना, ये मेरे पास आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट 71, 72 टैन को चेंज करना है कॉट को, हो जाएगा मेरे ख्याल से, अब ट्राई कर लेंगे। 73 हम बताते, क्वेश्चन नंबर 73। सेक पे पावर है ना, सेक पावर फोर है तो उसको क्या की
यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा जाता है, ये स्टेप भी नहीं चलते तो यहाँ पे करना पड़ता, ये आ जाता और ये से साइन पे पावर 4 ए और इनटू सेक पे पावर 4 ए कितना आ जाता, टैन पे पावर 4 ए आ जाता है ना, तो आंसर आ जाता। और टैन पे पावर 4 हम देखेंगे, एक सेक है एक टैन है, दो टैन है एक सेक है, तो हम सेक वाले को रेफर किए चेंज करने के लिए, तो सेक वाले को चेंज कर दिए तो ये टैन वाला हम सारा टैन टैन मिलाकर उसको सॉल्व किए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि सीपीसी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 75 नंबर है ना, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। वन प्लस कॉट ए प्लस टैन इंटू साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, सेक के डिवाइडेड बाय तीन पार्ट में क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम अप्लाई होगा, कॉस का स्क्वायर माइनस कॉस ए के, क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग बनाया गया कॉस ए के, कॉस ए के डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना, थर्ड पार्ट में साइन ए टैन ए, साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए कॉस, कॉट ए कॉस ए, ओके कॉटे कॉस। तो ऐसा क्वेश्चन एक हम किए थे, एनसीईआरटी का था क्वेश्चन, ये एलएचएस था, एलएचएस इसको सपोज करेंगे, इसको एमएचएस मिडिल हैंड साइड और इसको आरएचएस,